हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ पार्टनर के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 के साथ बेटा। दीपिका एंड राजश्री आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2। ऑन 31 मार्च 2021 देयर बैलेंस शीट वॉज, ये हमारे पास एक बैलेंस शीट दे रखी है बेटा। अगर आप इसमें देखेंगे तो बेटा यहाँ पर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं नजर आ रहा जो कि पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होना हो, ना तो कोई रिजर्व है ना कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है यहाँ पर। आगे देखते हैं, ऑन 1 अप्रैल 2021 द पार्टनर्स एडमिट अंशु एज अ पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ दीपिका राजश्री एंड अंशु विल बी ए। अब तो यहाँ पर हमारे पास एक नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया बेटा, इसका मतलब हमें यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करना पड़ सकता है। अंशु शैल ब्रिंग इन 32,000 एज इज कैपिटल। अंशु इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। पार्टनर्स देयरफॉर डिसाइड टू कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ अंशु शेयर इन द प्रॉफिट एंड कैपिटल कंट्रीब्यूटेड मेड बाय हर। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, यहाँ पर अब अंशु की गुडविल के लिए जो है हमें वो कैलकुलेशन करके देखनी पड़ेगी और निकालना पड़ेगा कि कितना उसका वैल्यू बनता है जो उसको लेकर के आना चाहिए था गुडविल के नाम पर। प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी वैल्यूड एट 60,000, स्टॉक 40,000 एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर इज टू बी मेंटेन्ड एट 4,000। तो ये हमारे सारे रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स आ गए हैं जिसमें लैंड एंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएट हो रहा है और फर्नीचर डेप्रिशिएट हो रहा है। देर इज एन एडिशनल लाइबिलिटी ऑफ ₹8,000 बींग आउटस्टैंडिंग सैलरी पेबल टू एम्प्लॉयज ऑफ द फर्म। तो एक एडिशनल लाइबिलिटी और हमें यहाँ पर ऐड करनी है जो अगेन हमारा यहाँ पर ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस दिखा रहा है बेटा। This liability is not included in the outstanding liabilities stated in the above। तो यहाँ पर जो ऊपर हमारे पास यहाँ पर जो हमारे outstanding liability दे रखी है उसमें ये included नहीं है, ये बताना चाह रहे हैं हमें क्वेश्चन। और पार्टनर ने डिसाइड किया कि अब इसको हम लोग उसमें इंक्लूड कर दें। प्रिपेयर रिवेल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ दीपिका राजश्री एंड अंशु। चलिए तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर बनाना होगा बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो जल्दी जल्दी से रिवैल्यूएशन अकाउंट का पहले फॉर्मेट फाइनल करते हैं एंड देन विल स्टार्ट। तो स्टूडेंट यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमें यहाँ पर जितने भी रिवैल्यूएशन से रिलेटेड पॉइंट्स दे रखे हैं उनमें से रिवैल्यूएशन को देखना पड़ेगा कि किसको डेबिट होना है किसको क्रेडिट करना है। तो पहले दोनों तो हमारे सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड पॉइंट्स हैं जिसमें गुडविल और कैपिटल की बात की गई है। जो डी पॉइंट है यहाँ पर, ये जो डी पॉइंट है इसमें हमारे पास सारा रिवैल्यूएशन की बात की गई जिसमें प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू हो जाएगी अब 60,000 रुपीज़। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो प्लांट एंड मशीनरी में हमारे पास 48,000 रुपीज़ वैल्यू दे रखी है और जो अब बढ़कर के 60,000 रुपीज़ होने वाली है। इसका मतलब यहाँ पे हमें रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में जो टोटल प्रॉफिट आ गया वो 12,000 रुपये का आ गया बेटा। तो यहाँ पर 12,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया क्योंकि पहले हमारे पास 48,000 रुपीज़ की वैल्यू थी जो बढ़कर के 60,000 रुपीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर 12,000 रुपीज़ हमारे पास प्रॉफिट आ गया बेटा। नेक्स्ट आके ये बोल रहा है स्टॉक 40,000 रुपये का हो जाएगा हमारा जो कि अभी एग्जिस्टिंग 32,000 रुपीज़ का। तो यहाँ पर भी हमारे पास फायदा हुआ बेटा। तो ये स्टॉक 8,000 रुपीज़ से हमारा इंक्रीज हो रहा है बेटा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर ये बोला है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर को मेंटेन करना है 4,000 रुपीज़ पे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहले से जो प्रोविजन है वो 800 रुपीज़ का ही है, यानी आपको 3,200 रुपीज़ से अपने इस प्रोविजन को बढ़ाना है जो कि एक लॉस में रिकॉर्ड होने वाली चीज़ है। तो यहाँ पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स में 3,200 रुपीज़ का लॉस आपको दिखाना होगा बेटा। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है हमारे पास वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैज़ अप्रिशिएटेड बाय 20%। तो लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास 50,000 रुपीज़ का गिवन है, इसकी 20% से वैल्यू बढ़ाएंगे तो 10,000 रुपीज़ का यहाँ पर हमारे पास फायदा हो जाएगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग में हमारे पास 10,000 रुपये प्रॉफिट हो रहा है रिवैल्यूएट करने में। लास्ट पॉइंट जो इसमें बोला है हमें फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है 10% से, तो 10% का यहाँ पर 1,000 रुपीज़ आ जाएगा जो कि डेप्रिशिएट हो रहा है। तो यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट आ जाएगा रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में 1,000 रुपीज़ को लेकर के। चलिए बेटा तो ये तो हो गई यहाँ पर हमारी बातें। नेक्स्ट हमें जो यहाँ पर बोला हुआ है नेक्स्ट पॉइंट में एक एडिशनल 8,000 रुपये की हमारे पर आउटस्टैंडिंग सैलरी की लाइबिलिटी आ रही है बेटा। तो अब हमें उसको भी यहाँ पर कंसिडर करना है। तो ये हमारे पास एक आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी आ गई बेटा। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी के नाम पर हमें 8,000 रुपीज़ से रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। चलिए तो यहाँ तक हमारे सारे पॉइंट्स हो गए हैं। तो इसका मतलब हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में इतना ही होगा बेटा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम यहाँ पर हम क्लोज कर देते हैं पहले और देखते हैं कि हमारे पास क्या प्रॉफिट या लॉस आ रहा है इसका।
तो यहाँ पर अगर मैं इसका टोटल करूँगा तो इस तरफ ज़्यादा है हमारे पास, तो ये जो टोटल आ गया हमारे पास 30,000 रुपीज़ का आ गया। और 30,000 रुपीज़ को लिखने के बाद ये जो बैलेंस बच गया यहाँ पर, ये बैलेंस बच गया बच्चे 17,800 रुपीज़ का। ये जो 17,800 रुपीज़ है, अब ये हमारा रिवेल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया बेटा। और इस रिवेल्यूएशन के प्रॉफिट को आपने दोनों पार्टनर जिसमें दीपिका और राजश्री, इन दोनों में आपको इनके ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और जो इनका ओल्ड रेशो हमारे पास गिवन है वो रेशो 3:2 है बेटा। तो 3:2 में जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 10,680 रुपीज़ दीपिका के अकाउंट में और 7,120 रुपीज़ राजश्री के अकाउंट में चले जाएंगे बेटा। तो ये हो गया हमारे पास रिवेल्यूएशन अकाउंट। अगला है बेटा हमारे पास कैपिटल अकाउंट। तो चलिए कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना करके फिर इसको शुरू करते हैं। तो चलिए बेटा सबसे पहले हमें यहाँ पर लेके आने हैं इनके बैलेंसेस, जो भी हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है। तो बैलेंस ब्रॉड डाउन में दीपिका का जो बैलेंस गिवन है बेटा हमारे पास इस बुक में वो है 48,000 और राजश्री का है 40,000। तो 48,000 रुपीज़ एंड 40,000 रुपीज़ राजश्री का बैलेंस आ गया। इसके बाद हमें एक एक करके इनके एडजस्टमेंट्स को चेक करना होगा। सबसे पहली जो यहाँ पर ये एडजस्टमेंट है, इसमें तो सिर्फ हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने की बात की गई है। नेक्स्ट में यहाँ पे बताया गया कि अंशु कितना कैपिटल लेकर गया, तो 32,000 रुपये का कैपिटल अंशु की तरफ से आ रहा है। तो ये हमारे पास बैंक अकाउंट की एंट्री आ गई। तो बैंक अकाउंट में आपके पास अंशु के कैपिटल के नाम पर 32,000 रुपीज़ आ गया बेटा। अब नेक्स्ट देखोगे अगर आप, तो यहाँ पर अंशुल की गुडविल की बात की गई है। अब ये जो अंशु गुडविल नहीं लेकर के आ पा रहा, तो उस वजह से अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा और फिर ये जानना पड़ेगा कि कितना अमाउंट जो है अंशुल को लाना चाहिए था। तो इस पॉइंट को अभी हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि उससे पहले हमें अपने बाकी के कैपिटल में जो जो चीज़ें आनी है उसको निकाल करके एडजस्टेड कैपिटल निकालने की जरूरत पड़ने वाली है। तो चलो अब आगे देख लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास सारा रिवैल्यूएशन की ही बात की गई है। तो यानी जो भी हमारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस आया था हमें पहले वो पार्टनर्स में बांटना है। तो यहाँ पर ये जो रिवैल्यूएशन आ गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट आ गया आपके पास, उस प्रॉफिट को आप यहाँ पर पहले लिख देंगे, जिसमें दीपिका का जो प्रॉफिट था वो 10,680 रुपीज़ का आया था और राजश्री का 7,120 का यहाँ पर प्रॉफिट आया था बेटा। चलिए अब इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि आपको कैपिटल अकाउंट में डालना हो, सिर्फ और सिर्फ अब हमें गुडविल की बात करनी है, राइट। तो चलिए गुडविल का हमें यहाँ पर एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा बेटा। उस वर्किंग नोट में क्या करना है, हमें यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन ने गाइड किया है, क्वेश्चन ने हमें क्या बोला बेटा, क्वेश्चन ने हमें बोला है कि अंशुल जो कि अपना गुडविल का शेयर नहीं लेकर के आ पा रहा, तो हमें उसकी कैलकुलेशन करनी है, गुडविल की कैलकुलेशन करनी है किसके बेसिस पर, जितना भी अंशु का शेयर है इस प्रॉफिट में और उसका कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, इन दोनों के हिसाब से उसकी गुडविल की वैल्यू को निकालना है। तो ये कैसे निकालते हैं, चलिए एक वर्किंग नोट के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर ये जो वर्किंग नोट हम लोग बना रहे हैं वो किस लिए निकाल रहे हैं, हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर पहले हम लोग फर्म का कैपिटल जानने की कोशिश करेंगे। फर्म का कैपिटल कितना बनने वाला है, किसके हिसाब से, एज पर अंशुल शेयर एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन एंड कैपिटल, राइट। तो इसके बेसिस पर अब हमें यहाँ पर सबसे पहले ये जानना है कि कितना फर्म का कैपिटल बनेगा। तो देखो अंशुल का जो कैपिटल वो लेकर के आ रहा है, वो लेकर के आ रहा है 32,000 रुपीज़ का, और इसका जो शेयर है बेटा प्रॉफिट में, जो न्यू शेयर में अगर आप देखेंगे तो इसका शेयर बता रखा है, तो इसका जो शेयर है बेटा वो शेयर है 2/10 का। 2/10 का मतलब इसको मैं रेसिप्रोकल 10/2 लिख दूँ तो मेरे पास पूरी फर्म का जो कैपिटल होना चाहिए एज पर अंशुल शेयर एंड कैपिटल वो निकल के आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई 1,60,000 रुपीज़ की। तो यानी अगर अंशुल का कैपिटल 32,000 रुपये का है तो टोटल फर्म का जो कैपिटल होना चाहिए वो 1,60,000 रुपीज़ होना चाहिए, हमें एक बात तो ये पता चल गई। लेकिन अब एक्चुअल में क्या कैपिटल है, तो फर्म्स कैपिटल एज पर एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, अब जो भी हमारे पार्टनर्स हैं सारे के सारे पार्टनर्स, उनका जो फाइनल कैपिटल है उसके बेसिस पर अगर हम देखें तो कितनी फर्म की कैपिटल बन रही है वो मुझे निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, अभी उसके लिए भी हम लोगों ने इनके कैपिटल अकाउंट को फाइनल नहीं किया, लेकिन इससे ज़्यादा कोई और बात नहीं है हमारा। अभी तक अगर मैं एडजस्टेड कैपिटल लिखूँ तो वो इसी से निकल के आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर पहले दीपिका का एडजस्टेड कैपिटल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दीपिका का, तो दीपिका का जो ओपनिंग कैपिटल था बेटा वो 48
8,000 रुपीज का था, प्लस इसमें अब इसको रिवेल्यूएशन का ये प्रॉफिट मिल गया, तो 10,680 रुपीज इसमें ऐड हो जाएगा। तो 10,680 रुपीज ऐड होने के बाद इसका जो एडजस्टेड कैपिटल निकल करके आ रहा है वो निकल के आ गया 58,680 रुपीज का। इसी तरह से अब आप राजश्री का भी निकाल लोगे तो राजश्री का यहाँ पर देखेंगे तो 40,000 और 7,120, तो 40,000 प्लस 7,120, तो यहाँ पर जो इनका प्रॉफिट आ गया बेटा वो आ गया एडजस्टेड कैपिटल, सॉरी वो आ गया 47,120 रुपीज़। तो यहाँ पर इसका एडजस्टेड कैपिटल भी हमने निकाल लिया। और जहाँ तक बात है अंशुल की, तो अंशुल का तो हमें पहले से ही मालूम है कि वो 32,000 रुपीज़ का कैपिटल लेकर के आ रहा है। तो अब अगर मैं इन तीनों का सम कर दूँ तो इन तीनों का जो सम करने के बाद मेरे पास कैपिटल आ रहा है वो आ रहा है 1,37,800 रुपीज़ का। ये हो गया हमारा एडजस्टेड कैपिटल सारे पार्टनर्स का, जबकि अंशुल के शेयर के हिसाब से कैपिटल बन रहा है 1,60,000 रुपीज़ का। तो अब हमें क्या करना है, इससे अब हमारे पास एक हिडन गुडविल की वैल्यू निकल के आ गई बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास निकल के आ गया कि हमारी हिडन गुडविल कितनी थी। हिडन गुडविल के लिए क्या करते हैं, जो भी हमारे नए पार्टनर के हिसाब से कैपिटल बन रहा है वो है हमारा 1,60,000 रुपीज़, उसमें से माइनस कर देंगे एडजस्टेड कैपिटल जितना हर पार्टनर का, जो सभी पार्टनर्स का आ रहा है वो हो गया 1,37,800 रुपीज़ का। तो इससे अगर हमारे पास जो वैल्यू आ गई बेटा वो आ गई 22,200 रुपीज़। ये हो गई हमारी हिडन गुडविल, ये हमारी फर्म की हिडन गुडविल है। तो यहाँ पर हम लोग फर्म्स हिडन गुडविल लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस हिडन गुडविल में हमें अंशुल के शेयर को जानना है, तो अंशुल का शेयर कितना है, तो यहाँ पर अंशुल शेयर वुड बी 22,200 इसका जो शेयर है 2/10 है बेटा, 2/10 है, तो 2/10 के हिसाब से जो मेरे पास अंशुल का शेयर निकल के आ गया वो आ गया 4,440 रुपीज़। ये वो शेयर है जो कि अंशुल को लाना चाहिए था लेकिन वो नहीं लेकर के आया। अब आपको क्या करना है, हमें ये तो पता चल गया कि अंशुल को कितना पैसा लेकर के आना चाहिए था गुडविल पर, हम अब इस पैसे को उसके करंट अकाउंट में बैलेंस में डाल देंगे, करंट अकाउंट को डेबिट करके रख देंगे और जो हमारे सेक्रीफाइजिंग पार्टनर उनको बांट देंगे, यही तो करना पड़ेगा हमें। तो अब ये अमाउंट हमारे सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स में बटेगा। अब इनका सेक्रीफाइजिंग रेशो क्या है वो हमें नहीं मालूम, तो वो भी हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो चलो उसको भी निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइजिंग रेशो, तो यहाँ पर देखेंगे बेटा, तो यह दोनों पार्टनर यानी दीपिका का जो हमारे पास ओल्ड शेयर गिवन है वो ओल्ड शेयर है 3/5 का, और जो न्यू शेयर इसका गिवन है वो 5/10 है, तो इसका मतलब यानी 1/10। तो दीपिका का सेक्रीफाइस 1/10 का है। इसी तरह से राजश्री का भी आप निकाल लोगे तो राजश्री का जो शेयर था वो 2/5 था और न्यू शेयर बोला गया है 3/10, तो यहाँ पर इसका आ गया 4-3, तो ये हो गया हमारे 1/10। तो यानी इन दोनों का जो सेक्रीफाइस रेशियो है वो 1:1 है, इक्वल रेशियो में ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो ये जो अमाउंट है वो भी इनको इक्वल रेशियो में बढ़ जाएगा, यानी 4,440 को अगर मैं इक्वल रेशियो में बांटूंगा तो यहाँ पर ये प्रीमियम फॉर गुडविल में दीपिका को मिल जाएगा बच्चे 2,220 और राजश्री को भी मिल जाएगा 2,220। तो ये हो गया हमारा गुडविल का भी ट्रीटमेंट, राइट। तो चलिए यहाँ तक हम लोगों ने ये समझ लिया बेटा। अब इसके अलावा हमारे पास कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि बचा हो और हमें कैपिटल अकाउंट में डालना हो, तो इसका मतलब हमारा कैपिटल अकाउंट अब यहाँ पर खत्म हो गया बेटा। अब इसको हम लोग बैलेंसिंग कर सकते हैं, तो चलिए जल्दी से इसका टोटल कर लेते हैं। तो ये आ गया बेटा 60,900 रुपीज़, राजश्री आ गया 49,340 रुपीज़ और 32,000 रुपीज़ यहाँ पर आ गया, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी कुछ भी डेबिट में नहीं है तो ये सेम अमाउंट ही इनका बैलेंस बन जाएगा जो कि इनका क्लोजिंग बैलेंस होगा इनके कैपिटल्स का। तो चलिए लिख देते हैं उसको बैलेंस सीडी, जिसमें 60,900, 49,340 एंड 32,000 रुपीज़ का क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगा बेटा। चलिए तो यहाँ पर हम लोगों ने इस कैपिटल अकाउंट को भी फाइनल कर लिया बेटा। अगला जो हमें काम करना है वो है बैलेंस शीट का, तो जल्दी से बैलेंस शीट बना लेते हैं और ये क्वेश्चन को खत्म करते हैं बेटा। तो चलिए बेटा सबसे पहले हम लोग अपनी एडजस्टमेंट्स को फाइनल कर लेते हैं। यहाँ पर जो एडजस्टमेंट दे रखी है उनमें देखते हैं क्या क्या है, तो पहली एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं है। सेकंड एडजस्टमेंट में बोला है कि अंशुल जो अपना 32,000 रुपये का कैपिटल लाया था, तो इसका मतलब हमारे पास अब बैंक अकाउंट में कुछ पैसे आ गए बेटा। तो अब चलिए बैंक को पहले अपडेट कर लेते हैं, तो बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस हमें पहले से दे रखा है वो है 2,800 रुपीज़ का। तो ये 2,800 रुपीज़ का तो इसका ओपनिंग बैलेंस हो गया, प्लस
32,000 रुपीज का कैपिटल लेकर के आ रहा है हमारा नया पार्टनर अंशुल। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर अपडेट कर लिया। चलो अभी इसको छोड़ देंगे, बाद में देखेंगे, इसको फाइनल बाद में करेंगे। आगे बढ़ते हैं। पहले अंशुल इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो यहाँ पर अब हमारे पास ये गुडविल की बात की गई है जिसका एडजस्टमेंट हमने किया था, और इस एडजस्टमेंट की वजह से क्या हुआ था बेटा, इस एडजस्टमेंट की वजह से हमें अंशुल का एक करंट अकाउंट बनाना पड़ा था। तो यहाँ पर हम उसके करंट अकाउंट को मैंशन कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा अंशुल्स करंट अकाउंट, और जिससे हमने 4440 रुपीस लेना है बेटा। तो ये हमने इसके अकाउंट को डेबिट कर दिया। अगले पॉइंट पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है प्लांट एंड मशीनरी। अब ये सारा हमारा जितने भी हमारे एसेट्स में चेंजेस हुए हैं हम सबको एक एक करके लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी। तो चलिए प्लांट एंड मशीनरी को देख लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी में हमें बोला हुआ है कि अब इसकी जो वैल्यू होगी वो 60,000 रुपीस की होगी। तो सीधा सीधा हम लोग 60,000 रुपीस यहाँ पर डाल सकते हैं बेटा, क्योंकि उसकी वैल्यू हमें गिवन है। और स्टॉक 40,000 रुपीस पर होगा, तो स्टॉक को भी हमें एज इट इज 40,000 रुपीस डाल देंगे। तो यहाँ पर स्टॉक आ गया हमारे पास 40,000 रुपीस का। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट बोला गया है वो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स को 4,000 रुपए करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास डेटर्स है 28,800 रुपीस की। सेंड्री डेटर्स जो हमारे पास हैं, सेंड्री डेटर्स हमारे पास 28,800 रुपीस के। इसमें से आपको लेस करना है प्रोविजन बेटा, और ये जो प्रोविजन हो जाएगा वो 4,000 रुपीस का हो जाएगा। ये 4,000 रुपीस हमें यहाँ पर लेस कर देना है। तो अब जो वैल्यू लिखी जाएगी हमारी वो लिखी जाएगी 24,800 रुपीस। तो ये हमने ये वाला एडजस्टमेंट भी चेक कर लिया बेटा। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग को 20% से अप्रिशिएट करना है हमें। तो चलिए यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग आ जाएगा, और लैंड एंड बिल्डिंग पहले से हमारे पास 50,000 रुपीस का था, इसका मतलब 20% इसमें बढ़ा देंगे तो 60,000 रुपीस की हो जाएगी अभी लैंड एंड बिल्डिंग। तो ये 60,000 रुपीस का हमने अपडेट कर दिया। नेक्स्ट जो हमारे पास बोला है फर्नीचर, जो कि डेप्रिशिएट हो जाएगा 10% से। तो चलिए फर्नीचर को कम करना होगा आपको। फर्नीचर डेप्रिशिएट हो गया 10%, और पहले से हमारे पास 10,000 रुपीस का था, यानी 9,000 रुपीस रह गया बेटा। तो ये 9,000 रुपीस से हमारा फर्नीचर भी अपडेट हो जाएगा। चलिए तो यहाँ तक हम लोगों ने ये सारी एडजस्टमेंट्स को चेक कर लिया है बेटा। इसके बाद हमें लास्ट एडजस्टमेंट में बोला गया कि एक नई लायबिलिटी बनानी थी हमें 8,000 रुपीस की। तो चलिए ये हमारे पास एक एडिशनल लायबिलिटी है, इसको हमें यहाँ पर अपडेट करना है। तो अगर यहाँ देखें तो इस नाम से हमारे पास एक ऑलरेडी लायबिलिटी गिवन है बेटा, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, जिसकी वैल्यू 2,000 रुपीस है। तो चलिए पहले इसी को लिख लेते हैं। तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज ये जो पहले 2,000 रुपीस की थी, अब इसमें ऐड हो जाएगा 8,000 रुपीस का अमाउंट। तो यानी टोटल जो आउटस्टैंडिंग मेरी लायबिलिटीज हो गई वो 10,000 रुपीस की हो जाएंगी। आगे इसके अलावा और कुछ भी पॉइंट नहीं बेटा। तो हमने ये सारी चीज़ें अपडेट कर ली। अब जो जो चीज़ें हमारी बैलेंस शीट में बच गई हैं, अब हमें सिर्फ उसको लेकर के आना है और कैपिटल्स को लेकर के आना है। तो चलिए पहले इसी को कर लेते हैं। तो सेंड्री क्रेडिटर्स हमारे पास 16,000 रुपए के, तो पहले ये लिख देंगे सेंड्री क्रेडिटर्स, जिसकी वैल्यू है 16,000 रुपीस की बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास पब्लिक डिपॉजिट 61,000 रुपीस के। तो यहाँ पर आ जाएगा पब्लिक डिपॉजिट्स, जो कि है 61,000 रुपीस के। अगला है बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट। देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि हमारा नेगेटिव बैलेंस चल रहा था, क्योंकि अब हमारे पास कुछ और बैंक में भी पैसे आए हैं, तो हम चाहें तो अब इसको यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं बेटा। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप चाहो तो इसको एज इट इज यहाँ पर मेंशन कर दो, या फिर इसको खत्म कर सकते हो आप इस बैंक अकाउंट में डाल करके, इस बैंक अकाउंट में डाल करके आप इसको खत्म भी कर सकते हो। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसको माइनस कर देते हैं। तो माइनस अगर मैं यहाँ पर 6,000 रुपीस कर दूंगा तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने इस बैंक ओवरड्राफ्ट को एडजस्ट कर दिया अपने इस बैंक के बैलेंस में, खत्म कर दिया इसको। अब मेरे पास ये लायबिलिटी खत्म हो गई, क्योंकि मेरे पास बैंक में पैसा आ चुका है। तो मैंने उसमें से इसको अगर मैंने हटा दिया तो मेरे पास अभी भी जो बैंक का बैलेंस दिखाएगा वो दिखाएगा 28,800 रुपीस का। तो आप ये यहाँ पर एडजस्ट कर सकते थे बेटा, राइट। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर एडजस्टमेंट कर दिया। आगे देखते हैं, आगे है हमारे पास आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, जो कि हम लोग ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। इसके बाद आ गया बेटा कैपिटल अकाउंट। तो चलिए कैपिटल अकाउंट्स भी डाल देते हैं हम यहाँ पर। तो कैपिटल अकाउंट्स में अब हमारे पास तीन पार्टनर्स हो गए, जिसमें एक दीपिका है, राजश्री है और अंशुल है। तीनों का अभी अभी हम लोगों ने कैपिटल बैलेंसेस निकाले थे बेटा, तो बस अब हम उन्हीं कैपिटल बैलेंसेस को यहाँ पर लेकर के आ जाएंगे, जिसमें 60,900 रुपीज़ दीपिका, 49,340 राजश्री, और 32,000 रुपये का जो कैपिटल है वो अंशुल का है। तो वो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते हैं। तो दीपिका का जो अमाउंट आ जाएगा वो 60,900 रुपीज़ का, राजश्री का आ जाएगा 49,000
340 रुपीज़ का और अंशुल कार्य का 32,000 रुपीज़ का। इनको अगर आप टोटल करेंगे तो इनका टोटल जो कैपिटल आ जाएगा वो आ जाएगा 1,42,240 रुपीज़। तो यहाँ पर हम लोगों ने सारी की चीज़ों को अपडेट कर लिया अपनी बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में से। अभी एसेट साइड को एक बार और चेक कर लेते हैं। तो एसेट साइड में बेटा कैश इन हैंड भी हमारे पास था पहले से, तो उसको भी हमें यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। तो कैश इन हैंड आ जाएगा हमारे पास 1,200 रुपीज़ का, तो ये हमने एज इट इज मेंशन कर दिया है। इसके अलावा बैंक हम लोग ऑलरेडी अपडेट कर चुके हैं, स्टॉक हमारा आ चुका है इसमें। प्रीपेड इंश्योरेंस, तो ये भी एक पॉइंट है जो कि अभी कुछ अपडेट नहीं हुआ इसमें, तो इसको एज इट इज लिख देंगे। तो ये आ गया हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम पर 1,000 रुपीज़ है, तो वो 1,000 रुपीज़ का हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस मेंशन कर दिया हमने। फिर आ गया सेंडरी डेटर्स, हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर। अब बाकी की सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी अपनी एडजस्टमेंट से यहाँ पर ला चुके हैं बेटा। बस अब ये बैलेंस शीट भी हमारी करीब करीब फाइनल हो चुकी है, अब हम इसका टोटल करना है और ये क्वेश्चन का एंड हो जाएगा बेटा। तो चलिए इसको टोटल कर लेते हैं जल्दी से। तो अगर आप इसको टोटल करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है एसेट साइड पर 2,29,240 रुपीज़, और यहाँ पर भी 2,29,240 रुपीज़ की बैलेंस शीट का टोटल आ गया बेटा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बेटा। अगले क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चे। थैंक यू वेरी मच।